स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई साहब, पिछली मरतबा आपको शूटिंग को लेकर हमारे रूबरू प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, हमने एक सवाल मिस कर लिया है आपसे, आवाम की तरफ से भी है, बहुत ही गमो गुस्सा का इजहार किया गया है जी। आप शूटिंग के बारे में गुंबद की बात किए जबकि आप जिम्मेदार थे दरगाही मस्जिद के जी, तो दरगाही मस्जिद में भी शूटिंग हुई थी जी, तो क्या आप एक जिम्मेदार थे, तो उसका पहला जवाब दे दीजिए, उसके बाद आज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में बताइए। मस्जिद के अंदर शूटिंग के बारे में, मस्जिद के अंदर कोई शूटिंग को हमें ऑर्डर नहीं दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऑर्डर देते तो हमें भी जेल में रहते थे। हंगामा हुआ था ना, हंगामा उन्होंने एक बच्चे को ले लगा को दुआ की दरखास्त करने के वास्ते, एक बच्चा पैदा होता है कितने किस साल के बाद फिल्म के अंदर वो बाहर गेट में खड़ को उन्होंने दुआ के वास्ते करे थे। नहीं सर, मैंने खुद देखा था कंपाउंड के अंदर कैमरे, नहीं नहीं कैमरे उन्होंने कंपाउंड के अंदर रखे थे, मगर उनकी सीन वैसी थी, मगर इजाजत हमें कमेटी वाले ने, किसी भी आदमी ने इजाजत नहीं दी। अच्छा। वो मस्जिद का एक मौजन था खुर्शीद कर को, उन्हें दिया, और हमारे गेट के वॉचमैन ने उन्होंने दो जने जो ही ये चीज में हिस्सा लिए थे, और हमें आज तक दुकान से मैं आज तक मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद में ऐसा शूटिंग के वास्ते गलाटा हो रहा है घर को। मैं आया मुझे खुद आवाम पूछे कौन की शफी भी कहते ना उन्होंने दिया सो, नहीं नहीं शफी भी दिए सो कहते है ये करको। अगर मैं देखो रहता तो ये कुनिया पायन ग्रुप जो है उनके जो भाईचारा जो है उनको बहुत मारे, इतना मारे उनको फसली उसकी डैमेज होगी, हीरो की फसली डैमेज होगा, उन्हें क्यार हॉस्पिटल को गया, वहां से उन्हें नर्सिंग होम को जाकर एडमिट होगा, 3 महीने उन्हें हॉस्पिटल में था। अगर मैं क्या तभी उसके अंदर एक फोन भी देखो रहता तो मंडी पुलिस जो है मुझे अरेस्ट करती, बाकायदा मुझे कानूनी कार्रवाई करती। तो आप जिम्मेदार नहीं है उसके? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अल्लाह उसके रसूल जानती कि हमें उसकी जिम्मेदार नहीं। आप उस वक्त जो है सदर थे, सदर थे, सदर हमेशा सदर ही था मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक भी वैसा ही मिलता जुलता है, बस ये तो ऊपर का सवाल हो गया आपका। बिस्मिल्लाह शुरू करिए। ये जो पटन श्रीरंगापट्टनम में जो है दो कमेटियां बना को थे, दो कमेटियां में जो ही दो कमेटियां के ऑर्डर कापिया दो बैंक के अकाउंट इनके, इसके बारे में हमें आज खुलासा कर रहे हैं सर। और जो है यहाँ का जो वक्त टर्मिनल में जो है यहाँ एक केस डाले है ना, टिप सुल्तान के जिम्मेदार हैं उन्होंने, हमें खानदान वाले कर को ये केस डाले 12/7/12/2020 को वो टर्मिनल का केस क्लोज हुआ, ऑर्डर हुआ, ऐसा ऑर्डर खतरनाक ऑर्डर हुआ, वो इनको जो है फटकार लगी, हाईकोर्ट जो है यहाँ का वो टर्मिनल जो है इनको फटकार लगी 12/7/12/2020 को इनको एक ऑर्डर मिला, ये बैले जो ही इलीगल कर को, ये बैले इलीगल है, ये नहीं हो सकता कर को इनको ऑर्डर दे दिया, वो होना रहा तो आपे उसका एक ऑर्डर कॉपी आपे आवाम जो है निकाल सकती है, उसका नंबर जो है OS3/2022 वो उसका OS नंबर आप होना रहा तो वो उसकी कॉपी निकाल को आप देख सकते हैं, कॉपी का हमारे पास कॉपी है, पर ऑर्डर होना रहा तो भी आप ले सकते हैं, वो टर्मिनल में लेना, मुस्लिम हॉस्टल में वो टर्मिनल वहां लेना पड़ता है एक लायर के थ्रू से, पैसा जाको आवाम पूछी तो नहीं देते, बाद में इन्हों क्या करे वो ऑर्डर ले लेको, यहाँ से झूठ शुरू होगी इनकी, यहाँ से चिप्तेदारी शुरू होगी झूठ की इनकी, इन्हों जो है ये वफ टर्मिनल का ऑर्डर ले लो फौरन भागे इन्हों, कहाँ बेंगलुरु हाईकोर्ट को भागे, वो डेट जो है 11/1/2023 को इन्हों केस फाइल करे कहाँ हाईकोर्ट में, कर्नाटका हाईकोर्ट में इन्हों एक केस फाइल कर दी, उसके बाद जो है उनको वहां से भी जो है 2 महीने इनको नहीं मिलता, उनको डेट नहीं मिलता उनको 2 महीने तक भी, उसके दरमियान में जो है एक ये हादिसे जो ही ये हादिसे पेश आए, उसके दरमियान में
और जो है 10 तारीख 2 महीने में एक फिल्म शूटिंग के वास्ते एक परमिशन ले लको आती परमिशन ले लको यहाँ को आती आती नो वहां से जो है फैक्स करती हूँ कर्नाटक स्टेट बोर्ड को भी फैक्स करती मंडिया के बोर्ड को भी फैक्स करती हूँ कौन ये बेंगलुरु से वो डिपार्टमेंट वाले आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाले फैक्स करती वो फैक्स को यू नो क्या भी तवज्जो देती है नहीं मालूम नहीं गेट के अंदर परमिशन बिना परमिशन के यू नो अंदर नहीं आ सकते फिर आ गए आपको ये सब पूरा अदम्यांग को अवाम को मालूम होगा ये शूटिंग इनकी सदारत में छो को सोर को 18/2/2023 को शूटिंग इन जो बोल रही 13 तारीख को एक दिन के वास्ते शूटिंग को ऑर्डर देकर रहती आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाले वो शूटिंग भी हो जाती है बाकायदा इनो इनो बाकायदा जो है इनो गुनेगार साबित हो गए इनो और 18/2/2023 को इनो तब भी ऑर्डर नहीं देकर रहते यानी कि सीओ को भी देखो नहीं रहते इनो यानी कि चार्ज नहीं देकर रहते चार्ज भी नहीं कुछ भी नहीं देकर रहते इनो झूठ बोल रही इनो हमें 3 महीने अवल मालूम हुआ वो दिन मालूम हुआ ऐसा करके वहां का जो सेक्रेटरी है दिमाग खराब हो गया था उसका उन्हें जो है वो कमेटी गुल्ले को ऐसा उन्हें हंगामा कराया है वो बड़े बड़के से चल रहा आर्यस हो उनकी धोखा धोखा जो देना है उनके बड़े बड़के से चल रहा को आर्यस हो ये चीज और रहा अब दूसरा जो है ये इनकी कमेटी जो है 2014 में ऐसे इनकी तनवीर सेठ की जो कमेटी है उन्होंने चेयरमैन को 2014 से उन्होंने कोई भी चीज को उन्होंने डेवलपमेंट करे नहीं एक रूम बन को नहीं उन्होंने कोई भी एक रूम बन को नहीं जो 800 ग्रांट्स जो आती है इनको करोड़ों रुपए आती उसके 3 कमेटियां बना ली थी ग्रांट्स की एक कमेटी डेवलपमेंट की एक कमेटी शहीद की कमेटी करको गवर्नमेंट में 3 कमेटियां बना को ये कोर्ट में नहीं मालूम होता वो आदमियों को अवाम को भी मालूम नहीं होता इनो अवाम को जो है काले पट्टी का पर्दा डाला को इनो हमें बहुत काम कर रही है दिख रही ये काम इन्होंने वे करको इनसे 1980 पर एक में एक कमेटी की शक्ल में 3 आदमियां थे वहां स्टाफ के आदमियां थे उन्होंने जो ही ऐसा काम का अंजाम दिए आज जो भी डेवलपमेंट दिख रहा है तुमने टिप सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के दरबार में ग्रिल हो कोई भी चीज हो सामने के मड़गिया हो यानी कि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कर कोई सो हो इन्हों सब जो है 1989 तक इन्हों जो है वर्क करी वर्क कर को एक ऐसा नतीजे को ले लगा है वो चीज ये जो है मुजराई इलाके में इसके डॉक्यूमेंट्स थे सो इसके सारे डॉक्यूमेंट जो है मुजराई इलाके में थे वो हमारे वफ गेजेट नोटिफिकेशन में इसके डॉक्यूमेंट मौजूद थे मगर कौन भी लेने वाले नहीं थे ये 3-4 आदमियां जो है 3 आदमियां जो है 1980 पर 1 से 80 पन्नों तक जो मेहनत करे पूरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उसके खाते उसके कंधाए टिप सुल्तान एस्टेट के नाम से उन्होंने करे बहुत मेहनत करी उन्होंने वो चीज को वो स्टाफ था गवर्नमेंट का स्टाफ था वो टेम्पो अपॉइंट करे थे सो नहीं नाम मालूम थोड़े बहुत आदमियों का वो पुराने आदमियों उन्होंने उनका नाम जो है जहन में नहीं है बड़ा लंबा रपा डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने करे सो 100% और ऐसा ऐसे बहुत काम का अंजाम दिलक है उन्हों तब बीच में जो है उन्हों अभी गवर्नमेंट में क्या है अगर को बोले तो वर्क डिपार्टमेंट में अच्छा काम को कभी करते रहे तो उसे उठा बाजू दे डालती ऐसा उनको ट्रांसफर कर डाले दूसरी जगह में अब वो दूसरे आदमी आए क्या क्या की उनका अंजाम हुआ मगर ऐसे उनके ऐसे कारनामे ही वो लोगों के 3 आदमियों के KSRTC बस हमारे गुम्बस तक नहीं थी 1983 में KSRTC बस नहीं थी पटन को आते पटन से झटका गाड़िया में आदमी आते थे वहां बंदोबस्त आदमी आते थे अब गुम्बस तक भी होगा गंगे ये इस तक क्या वो संगम तक भी बस आ रही है वो उनकी सदारत में वो स्टेम्पो वो शख्सियत वो बुजुर्ग को चाहते थे बुजुर्ग उनसे काम लिए जिसे जिसे चाहता है बुजुर्ग उन्हें काम लेने के काबिल बन सकता सो और दूसरे अंक को तो वो चांस नहीं मिलती उनके हुकुम से वो सब चांस मिले सो ये तो वो आदमियों का क्या औकात क्या है उन्हों करा लेने की मगर वो जो है उन्होंने टिप सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ले सबको भी उन्होंने
जहन में नहीं आते, किसी को ये कोई उसका अंजाम जो है ये सब करे, अल्लाह भला करो। दूसरी बात, वहां एक म्यूजियम था, शहीद का एक म्यूजियम था, गुमस के हाफिज जो है अब हाफिज के सामने एक म्यूजियम था, मुकद्दस चीजें थे वहां, टिप सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुकद्दस चीजें थे वहां, वो बहुत मुकद्दस चीजें थे, वो म्यूजियम भी नहीं दिख रहा है, वो चीजें भी कहां है वो भी नहीं दिख रही अब। अब ये जो ये कमेटी 2014 के बाद वो कमेटी कहां ले लेके आकर रखे वो चीजों को हमने नहीं मालूम। और 1980 पर 1 से 80 तक जो इन्होंने मेहनत करे, उसके बाद चप्पल का टेंडर भी उनकी सदारत में छुआ, पार्किंग का टेंडर भी उनकी सदारत में छुआ, जितने भी मलगिया बने उनकी सदारत में छुआ, तो इन्होंने आपको आज तक क्या करे वो नहीं मालूम है। इन्होंने आपको क्या करे रोशन बेग साहब की सदारत में, रोशन बेग आ गए मिनिस्टर बनको, तब उनकी सदारत में ये नूरुल्लाह साहब करको चेयरमैन बने, और अल्लाह भला करो मजहर साहब करको उन्होंने वहां के वाइस प्रेसिडेंट की क्या की बने वाइस चेयरमैन बनको, जो है पूरे घोड़ियां की दुमांग को उन्होंने क्या क्या करना था वो पूरा कर डाले, घोड़ियां को भी उन्होंने ले लगा सो घोड़ियां की जो वहां जो आप गलीज आगे दिख रही है वो एंट्रेंस में पहले वैसा नहीं था, बहुत अच्छा था, अब जो है घोड़े ये वो आड़े चिड़े जो इंतजाम थे चंद पैसे के वास्ते उन्होंने अपना ईमान जो है बेच डाले उन्होंने। आज उनकी हालत क्या हो को है हमें खुद देख रही जो जिम्मेदार थे, वो म्यूजियम का भी होगा, म्यूजियम का भी जो मामला था वो कहाँ गया म्यूजियम, हमें उसके भी खोज में ही कहाँ है वो उसके आइटम, हमना जरा मालूम है क्लूस मालूम है किस किस के घर में ही घर को म्यूजियम के जो टिप सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो म्यूजियम की चीज आई वो किस किस के घर में है। एक मिसाल देता हूँ आपको, टिप सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जो भी अदमिया बदतमीजी से अगर उनकी चीज को भी उठाए तो अल्लाह तआला एक गैब से उनको एक पनिशमेंट देता है। जैसा के टिपू सीरियल आया, टिपू सीरियल में उनकी तलवार उठाए सो उन्होंने संजय खान उनकी तलवार उठाए सो 300 अदमिया मरे यहाँ, ऐसा मलैया विजय मलैया जो है उनकी तलवार ले लेकर आया सो उन्हें इंडिया छोड़कर भागना पड़ा, अब भी अरबपति चुने है मगर बदलाम हो आज नहीं आ सकता उन्हें। और तनवीर सेठ का सगा चिचेरा तायरा भाई तारिक सेठ उन्हें तलवार उठाया मैसूर छोड़कर भाग गया उन्हें, ऐसा हमें मिसाल देख को ही सो सुन को ही सुनो भाई है हमें देख को ही सो हमारे आंख के आंखों तले देख को ही सो। तो ये सब जो बदतमीजी कामा उनके साथ नहीं हो सकते। अब ये शूटिंग का है अल्लाह ताला वो गाइब से जो है उनको क्या पनिशमेंट देना देता है। और दूसरा वो चप्पल का जो है वो उनकी सदारत में 3 अदमियान जो थे उनकी सदारत में छुआ सो एक ईंट भी जो है उठा को इन लोग रखे नहीं चुपके है। हाँ उसे बरकरार कर ले जा रही, उसे प्लम पिंट गिंट मार लगो एडजस्टमेंट कर ले जा रही, मगर ये अदमिया शान शौकत करते थे, शान शौकत करते थे इन क्या कर को बोले तो हमारे बाप दादा बहुत बड़ी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हमें टिप सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को देखो ही करको हमें वहां से ले 300 सुल्तान के अंजा को MLA हो कारपेटर हो बनना रहा तो भीख ले लगा को कारपेटर बन 300 उनको कम भी दे नहीं सकते वत्ती हैसियत नहीं है किसी के हाथ में। सुल्तान को डोनेट करने की हैसियत हिंदुस्तान के मुसलमानों में नहीं है, हमें उनका से ले लगा सकते हैं मगर इन्हों जो है पकड़ ले को बैठे थे सो प्रॉपर्टियां ये इनके बाप दादा जो ही पकड़ ले को बैठे थे सो प्रॉपर्टियां ये जो 3 अदना थे खाते कंधाए बना को प्रॉपर्टी उनसे छीने सो 81 से 89 तक जो स्टाफ था उन्होंने ये प्रॉपर्टियां छीने सो उनकने से इन्होंने जो है गन्ना पेर लगो धान पेर लगो कि क्या कर लगो कि इन्होंने उसमें फायदे उठाते थे नाजायज कब्जा 100% करते थे इन्होंने। अब वो जो है नाजायज कब्जा जो करे उसका अंजाम जो है हमें दिखा रही सो वो क्या है इन्हों जो है कोई सी भी प्रॉपर्टी देखो नहीं हमें लास्ट टाइम जो है इनके 2 पॉइंट हमें इरफान साहब के हमें बोलती करको हमें बोले थे क्या करको बोले थे ये कोई प्रॉपर्टी का हमें खुलासा कर रही है इनके बाप दादा जो ही कोई सी भी प्रॉपर्टी नहीं देखो ही और ये सरासर
सरासर 101% झूठ, समझो कि 1000% ही झूठ है। और इन्हों जो है पक्के सरासर, इनके नीचे से ऊपर तक भी इन्हों झूठे आदमी। इनको तनवीर सेठ के आगते हुशार आदमी कैसा ले को इनको हैंग कर रही, वो झूठे हमको झूठे सपोर्ट कर रही कि क्या है कि हम नहीं समझ में आ रहा हो। दूसरा, अब 4.5 करोड़ रुपए हमारे बैंक में ही करको इन्हों इरफान साहब हम ना बोले थे वहां के सेक्रेटरी साहब, 4.5 करोड़ रुपए ही भी किसके बाप के पैसे, वो टिप सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह की प्रॉपर्टी है, बेच डाले इन्हों 7.5 करोड़। अच्छा। जबकि इन्हों 1995 एक्ट 2013 अमेंडमेंट के तहत इन्हों को सा भी लीज अग्रीमेंट इन्हों करना रहा तो 3 साल का करना रहा तो इन्हों स्टेट से परमिशन लेना, 3 साल का करना रहा तो 3 साल से ज्यादा अगर करना रहा तो सेंट्रल से इन्हों परमिशन लेना। इन्हों कहां से भी परमिशन ले को ही, इन्हों कहां से भी परमिशन ले को नहीं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को इन्हों 4.5 करोड़ रुपए को 6.5 एकड़ जमीन इन्हों बेच डाली। हमना मालूम है सो 4.5 करोड़ करको वो अंदरूनी हिसाब से कितने को बेची वो नहीं मालूम, 4.5 करोड़ रुपए वो ही सो भाई इतने ग्रांट्स है अब तक उसका हिसाब नहीं, वत्ती अंबानी हो रही है उसका हिसाब नहीं, गोलका उसका हिसाब नहीं, जो भी डेवलपमेंट हो रहा वहां उसका हिसाब नहीं। बड़ा लिनो क्या बोलती है हमारे साहब 4.5 करोड़ रुपए रखते ही बैंक में किसके बाप के, तुमने कौन बोले प्रॉपर्टी बेचे, और को इतने मिनिस्टर है रोशन बेग है, अब रामान खान है, जितने भी है मुमताज अली है सब है, कौन भी प्रॉपर्टी बेचा नहीं आज तक, मगर ये कमेटी को बेचना कर को क्या था वत्ता, क्या अर्जेंट आ गया था कि कमेटी अभी ना बोलते थे सिद्धरामैया साहब के तब चीफ मिनिस्टर थे जरदीन के वो उन्होंने तब बोलते थे एक टिप सुल्तान के नाम से एक हमें कॉलेज खोलना कर को यूनिवर्सिटी खोलना आरको थे टिप सुल्तान के नाम से यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी खोल सकते थे ना 6.5 एकड़ में, 2 प्रॉपर्टियां वो 6.5 एकड़ एक ही जगह में है, 2 बाजू बाजू इन सब प्रॉपर्टियां, वो भी कहा अभी सॉल्वेंट के पास है प्रॉपर्टी है मेन रोड नहीं जरा अंदर है, कॉलेज को बहुत बेहतरीन जगह थी 6.5 एकड़ में कॉलेज खोल सकते थे, ग्रांट्स ले लगाना था इन्हों, अब यहाँ ग्रांट्स ले लगा को हाई सच इंस्टीट्यूशन में है वहां अच्छा चल रहा है, लाखों रुपए इनकम है, वैसे ले लगा को 10-10 लाख रुपए दे कोई ये हमारे एमएलए साहब ग्रांट्स दे कोई क्या 6.5 एकड़ जो जमीन फरोख कर 4.5 करोड़ में बेचे बोल रही आप, वो कैसा साबित कर रहे हैं आप? अरे उसका डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करती है तुम ना, उसका सर्वे नंबर देती है हमें तुम ना, वो पहले की जगह थी अब गए 2014 के बाद की ये बात मैं बोल रहा हूँ तुम ना, 2014 से अव्वल की नहीं, जब इन आए चेयरमैन बनको टिपू एस्टेट के उसके बाद ये तिरबीरी कामा उसके वास्ते इरफान को रखो ही सो इरफान को की रखो ही तो कहाँ वैसे प्रॉपर्टियां ही वीक प्रॉपर्टियां देख को उन्हों बेच सकती या लीज को दे सकती। अब कल भी एक साहेब इतवार को उन्होंने भी एक बयान करे दूसरे चैनलों में तो उन्होंने जो है उन्होंने भी बोले 60 पर 7 एकड़ क्या की है 60 पर 7 प्रॉपर्टियां ही वो को नहीं है। अब हमारे कहने के मुताबिक हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं सो जितने गेजेट नोटिफिकेशन में 40 पर 3 या 40 पर 7 का है उतने प्रॉपर्टियां ही सो उतने प्रॉपर्टियां का रिसर्च उन्होंने कर कोई अगर अगर वैसा भी तुम ना लोगों को गुमान आया तो तुम्हें एक ऑडिट कराओ जॉइंट ऑडिट करती उसे जॉइंट ऑडिट कराओ हमारे तरफ से भी हमें एक दो शख्सियतों को भेजती वहां को जिम्मेदार आदमी उन्होंने भी भेजती तुम्हारे गवर्नमेंट से भी आंद है खुलासा होता है तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है इसके ऊपर भी कौन भी ब्लेम करने का नहीं रहता। अब टिप सुल्तान का जो है मामला वो जो नाच गाने का था वो प्रूव होगा इनोच करे इनोच 100% थे इनोच इनकी सदारत में थे को अब हमें और एक भी एक बैंक का स्टेटमेंट ले रही हमें इनो ना सीओ को चार्ज दिए ना सीओ चार्ज लिया कुछ भी नहीं है वो लिया रहा तो वो ऑफिसर ले सकता है सीओ आपको चार्ज नहीं ले सकते पहले अकाउंट सीज करती है अकाउंट इनो सीज नहीं करको थे उसका देखो सब झूठ बोल सकती है बैंक नहीं झूठ बोल सकती स्टेट बैंक वो स्टेट बैंक का डॉक्यूमेंट जो है बहुत मायने रखता है
दूसरा जो है एक जो एक जरदीन के वो एक आदमी भी बकया आपको उन्हें भी क्या कि बकया क्या बकया उन्हें घर को बोले तो वो आदमी स्टेज के ऊपर बैठ कर उन्हें दूसरे चैनलों में बकया हमने वो आदमी का नाम लेना भी हमारे वास्ते गवारा नहीं है कि तत्व को बोले तो हमारे उन्हें जूते के भी काबिल का नहीं है भिखारी उन्हें भीख मांगने वाला उन्हें उसका नाम ही चाहिए भाई बेंगलुरु से आको पोंटन में उतरिया तो उसका नाम क्या बोल रही हूँ चंदा चंदे की बुक कहते उसका नाम लूती गैंग का सदर कहते उन्हें और एक भी बात बोले उन्होंने दो तीन बातें बोले हमना वो शर्म मार दिए मोबाइल में बोले हमारे खानदान वाले भी देखते मेरे भी बड़े बड़के ही देखने वाले बुजुर्ग आई क्वालिफाइड आदमी आई उन्होंने भी क्या रहे इतने गलीज बांधा लौंडे बास का है उन्होंने एक आदमी उनके गैंग का उन्हें सदर कहते मैं एक तो आपसे मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ तनवीर सेठ हो या इरफान हो या कोई भी हो अब आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से तनवीर सेठ बोले हमें एक लेटर डाल को ही फोन कर को ही उनको लेटर आता है आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से अगर दस दो का लेटर आता है घर को बोले सो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से ये आदमी कौन जो आपको मैं ऑपरेशन मैं क्या की कर रहा हूं मैं किधर की कर रहा हूं उनके ऊपर एक्शन ले रहा हूं ये आदमी कौन है ये गवर्नमेंट का एक कौन सा इंस्टीट्यूशन है संभाल रहा है नहीं संभाल रहा है और तनवीर सेठ को नहीं मिला सो लेटर इसे कैसा मिला इन्हें कौन इन्हें कहां का इन्हें किधर का इन्हें इन्हें टुटा इन्हें यहाँ मिलाद बाग्त ने सैला को पढ़ता था सो इसके पीछे लेटर कौन दे कोई हमना वो भी मालूम कौन इसके हाथ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो भी मालूम हमना सभी इसके बारे में पिक्चर मालूम है कि कहते तो इन्हें बच्चा इन्हें ये फील्ड में आलिमान की फील्ड में मैं 40 पर 2 साल से उनके पीछे लग पा हूं इन्हें अब्बास इन्हें कीड़ा इन्हें इसका नाम नहीं ले सकता मैं कि कहते तो इसका नाम मुझे मालूम है फिर भी नहीं ले सकता कि कहते तो मेरे जूतियां के भी काबिल का नहीं है इन्हें हमें देने वाले हमारी मस्जिद में और एक हमारी मस्जिद में जो है ये आदमी अपनी मस्जिद कर को बोल को चंदे ले लेको जाको है 1 लाख रुपए के करीब इन्हें हमारी मस्जिद का जुमा का चंदा इन्हें लेको है मैं कैसा इसे मालूम नहीं था इन्हें मेरे खिलाफ आको इन्हें बात करिया तो उस वैसे आदमी को हमें उस सलाम करना भी हराम है हमारे वास्ते ये तो मैं टिप सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को मैं क्या बोला था भाई आलिमा जो ही वहां डेली जाती है आलिमा उन्होंने हो वहां के जिम्मेदार आलिमा हो ये फतवा देखो उनको ये अवाम को ठंडा कर सकती है को हमें बोले सो अब उनके हाथ से तो नहीं हो सकता कि तो हर मस्जिद में हर मदरसे में हर उन्होंने एक सदर और सेक्रेटरी के अंडर में ही उन्होंने क्या तो ये बोला तो उनको निकाला होती घर को उनको डर रहेगा 6-7 महीने का खिस्सा है कहीं को अब हमें अल्लाह देखो टिप सुल्तान शहीद नाम तो ले जिस जिस से काम लेना उनसे लेती हमारे जबाना खुलादा ले उन्होंने सर आप चंदे की बात कर रहे हैं मस्जिद दरगाह में आकर चंदा लिया उन्होंने तो बोले आप सर जहां तक मैं जानता हूं मस्जिद बोला अली एक मॉडल के तौर पर उन्होंने बना रहे बहुत ही शानदार मस्जिद बना रहे बनाते रहे लगता है कि वो मस्जिद का जो तामीर है काम हो रहा है बड़ा ही बेहतरीन तौर पर कर रहे हैं जी तो आपको क्या लगता है कि वो चंदा करके तो मस्जिद तो बना रहे ना हमने नहीं मालूम अगर उन्हें चंदा लेको उन्हें सही काम कर रही तो नहीं नहीं चंदा किससे लेको उन्हें सही काम कर रही मेरे खिलाफ नहीं बोल सकते थे उन्हों क्यों बोले तो मैं भी चंदा देखो ना मैं देखो ना आहिस्ता ना देखो समय किसे भी पूछ को नहीं उल्टा हमें चा पिला को भेजते थे उनको और हमें 10 इंस्टीट्यूशन हमें हमारी मस्जिद को पॉप करे थे की करे थे हमें को एक मॉडल बताए तो कर्नाटक में एक बेस जाता है एक पैगाम जाता है अगर को हमें क्या करे हमें वो चालू करे दूसरे हमको पेट का दर्द आगा वो चीज को क्या रहे ऐसा होगा ना अगर को हर नोटिस बोर्ड में उनके रसीद आई हमारे पास वो कंटिन्यू अभी भी है वैसा मगर अब नहीं है अब नहीं है अब नहीं दे रही हमें क्यों बोले तो अब हमारी कमेटी वहाँ इन्हें है पेट है करे हमें नहीं दे सकते उसकी इजाजत के बिना हमें नहीं कर सकते रहा अब दूसरा जो है मामले छोटे मोटे मामले जो है ये हैंकु ये टिप सुल्तान क्या वो मकाम में डांस हुई बदतमीजी करे उसको अल्लाह जो है अल्लाह ताला उसके वास्ते उनको क्या अजर देना वो देता है चीज हमें आज के बाद ये टॉपिक को बात नहीं करते दूसरी बात इनके प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मुंह खोलेंगे इंशाल्लाह पहला आदमी मैच मुंह खोलिया सो है क्या है
3,000 रुपए हमें हर घर को दे सकती है, 3,000 रुपए हमें घर को दे सकती है अगर सही इस्तेमाल करे तो, घर को मई उठाया सुहास। तब उन्हें वहां से रिप्लाई क्या देता 5 तारीख के इंटरव्यू में, तुम्हें किसे तो भी देखो रहे तो तुम्हें बोलो 300 रुपए देखो रहे तो कहता है हमें 10 मस्जिदों को आप करे मैसूर के अंदर नहीं कर्नाटक में कहां 10 मस्जिदों को आप करी बताओ, हमें बताती हमारे पास कैलेंडर में बाकायदा मार्किंग है, बाकायदा हमारे पास उन्होंने जो ले गुजारी उनकी रसीद आई हमें बता हमें क्लीन करे, एक मिसाल हो जाए घर को करे। दूसरे जमाने से बैठ कोई मई सदर मई सुनियत का मैं बहुत बड़ा घर को कौन भी नहीं कर सके, हमें आते ही घड़ी में करवा ले। मैं तनवीर सेठ साहब से भी मैं क्या बोलता हूँ, तुम ना एक कानून हम ना एक कानून तुम ना क्या कानून, तुम्हें 2 बिल्डर बना सकती है, 2 कमेटियां के लिस्ट जारी कर सकती है, 25-25 साल से तुम्हारे चाहने वाले मस्जिद में मदरसे में आई, हमें 3 साल के वास्ते हम ना निकाल होती जुर्म देखो की भी निकालती हम ना, हमें क्या करे थे हम ना पुलिस केस भी तुम्हारे तरफ से पड़े सो तुम्हें यही करो मालूम होगा, अब तुम्हारा फोन मंडी पुलिस स्टेशन को जाने में मुझे FIR हो कहे सो, तुम्हारे प्रेशर से मुझे FIR हो कहे सो, क्या होगा मुझे अल्लाह जो मुझे मेरे नसीब में रखा है वो छोटा सा मुझे तुम्हारे तुम्हें क्या तुम्हारे ऊपर वाले आ गए तो भी मेरा बिगाड़ नहीं सकते, अगर अल्लाह चाह तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, अगर अल्लाह नहीं चाह तो पूरा इंडिया मिल जाता भी मुझे कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जाना वो जगह में मैं खाना पड़ता है। बहरहाल मैं क्या बोलता हूँ तुम ना एक कानून हम ना एक कानून, तुम्हारे से कौन नजदीक है वो आदमी हमको तुम्हें मुस्लिम हॉस्टल का सदर बना डाले, किसे पूछ को भी बनाए तुम्हें, कौन सी आवाम को पूछ को बनाए तुम्हें, या मेकरी मेकरी को मेकरी की बात कर रहा हूँ, मेकरी जो है यहाँ भी उन्हें दो ट्रम यहाँ वक्फ बोर्ड में सदर था, अब यहां से निकले के बाद मुस्लिम हॉस्टल में वो जाको तुम्हें जांच पर इंशाल्लाह उसके बारे में भी एक्सप्रेस कर दिया मैं, वहां इन्होंने जो है बाबा का ठिकाना घर को बना ले को बैठ गई, ये जो है एक एक इंस्टीट्यूशन का हमें ले लगा रही, पटन के इंस्टीट्यूशन का भी ले लगाती हमें फर्दर वो भी है हमारा एक एक इंस्टीट्यूशन हमें किसे भी छोड़ने का नहीं है, क्या हमें खाने का नहीं है हमें खुल्ला बोलने का है सो नौजवानों को मदद बिल्कुल की जा रही है ताकि नौजवान आगे बढ़े, उस फंड का इस्तेमाल बाकायदा किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि इस तरह का काम होना जरूरी है? नहीं नहीं वक्फ से वैसे इंतजाम रहे तो अच्छे डेवलपमेंट हो सकता है सो, मगर बी शेख अली साहब जो है हमारे बड़े बड़ के उन्होंने मगर उन्होंने जो काम कर रहे थे ये तुम ना लोगों को मालूम नहीं है, ट्रस्ट बना लेते उन्होंने ट्रस्ट बनाए थे, तुम ना इतला है क्या जमीन को उनके घर के में 6-7 थे उसमें ट्रस्ट में, ट्रस्ट बना लोग जिंदगी करते थे, मैसूर के अंदर सबसे रिच इंस्टीट्यूशन है मुस्लिम हॉस्टल, मुस्लिम हॉस्टल के बच्चे आको कैटरिंग का काम करते थे मालूम तुम ना, पार्ट टाइम कैटरिंग का काम करते थे उन्होंने, खून आन देते थे उन्होंने बच्चे, तो उसका जिम्मेदार कौन है, उसका जिम्मेदार बी शेख अली साहब थे सो, मगर अब माशाल्लाह उन्होंने इंतकाल होगी उनके बारे में हमें क्या भी बोलने का नहीं है, अब जो ये आरिफ मेकरी साहब सदर हुए नहीं नहीं अब उन्होंने सेक्रेटरी नहीं सदर हो कहीं सब सेक्रेटरी हो कोई क्या जी 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 हाँ नहीं नहीं हमें उसका डॉक्यूमेंट लेते हैं, अब हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है खाली, में बी शेख अली साहब वहां जब मिसिस करे थे ट्रस्ट बनाए थे ये अदमे छोड़ ले थे जमाने तक वहां के भी प्रॉपर्टी हम मिसिस हो कहीं इनशाला हमें उसके भी गौर फिक्र करते हमें उसका भी डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, जो जो इंस्टीट्यूशन मैसूर के अंदर 25-30 साल से बैठ कोई उसका बाकायदा में डॉक्यूमेंट ले रही एक 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 वन बाय वन एक इंस्टीट्यूशन का ले को दूसरे इंस्टीट्यूशन की बात नहीं एक ही इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं इंशाल्लाह विद डॉक्यूमेंट के साथ विद प्रूफ प्रूफ अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम है तो आप उसका जवाब भी देना पड़ेगा, अगर आपके दौर में कुछ भी ऐसा मामला है तो आपको जवाब के लिए आप तैयार रहना पड़ेगा, जवाब के लिए देखो भाई अब गर्म पानी करके मालूम रहता है
वहां डूबे तो गरम रताइज कर को हमें उसका बंदोबस्त कर लगो डूबना सो। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट के बिना हमें ये तुम्हारे चैनल में हमें नहीं आते, और मेहरबानी करको हमारे खिलाफ कौन भी बोलने की कोशिश करो न को, क्यों होगा तो जो आदमी बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसके अंदर से हमें इरफान नहीं बोला था, इरफान नहीं आया था, हम ना उसे क्या भी येच नहीं थी, लिंकिस नहीं थी हम ना उसे, इन्हें क्या बोला दरगाही मस्जिद में ता मेरे बारे में बोला इन्हें, अब दूसरा कभी ना भी परसों ऐसा बोला मेरे वास्ते दरगाही मस्जिद में ये दरगाही मस्जिद में वो करको, क्या अभी दरगाही मस्जिद में नहीं, मैं आज भी बैठ रहा हूँ, आज भी जा रहा हूँ, आज भी नमाज पढ़ रहा हूँ, आज भी हमारी जिम्मेदारी है वहाँ बाकायदा में पूरी कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बारे में कौन तभी बोलेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनके बारे में उनकी जात का निकाल को हमें हाथ पर रख डालती, नको अंग को डाल लो नको, हमें किसी का खाते नहीं, हम ना किसी की भी जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।